ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि यापडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि कर्क राशि वालों के लिए जो 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन होने जा रहा है, 18 महीने के लिए राहु पुनः राशि बदल रहे हैं और क्या कुछ करेंगे। राहु और केतु दोनों राशि परिवर्तन करके आपके जो दशम भाव में और चतुर्थ भाव में चल रहे थे, राहु दशम में चल रहे थे बृहस्पति के साथ और केतु महाराज आपके सप्तम भाव चतुर्थ भाव में चल रहे थे, अब वक्र गति से चलते हुए परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो जा रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि आपके नवम भाव में बढ़ती है और राहु अगले आने वाले 18 महीने तक वो नवम भाव में रहने वाले हैं। आपकी किस्मत की चाबी कहाँ है इस बात को समझ लें। नवम भाव भाग्य का भाव है, नवम भाव धर्म का भाव है, नवम भाव कई जगह यश को भी देता है, देव का स्थान माना जाता है, दीक्षा का स्थान माना जाता है नवम भाव, और तो और कई शुभ स्थानों को भी अभिव्यक्त करता है। तो ऐसे में नव धर्म में राहु का जाना विशेष तौर पे कई महत्वपूर्ण विषय को रखने वाला है। हम आपको एक ऐसी चाबी भी देने वाले हैं, ऐसा सूत्र बताने वाले हैं कि कैसे राहु के जो धर्म, राहु एक पाप ग्रह है, अब पाप ग्रह धर्म भाव में चला जाएगा तो समझें का सबसे शुभ भाव जो भारतीय पूरे योग ज्योतिष के अनुसार से माना जाता है यही नवम भाव। कहा था भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, तो अब नवम भाव में राहु महाराज जा रहे हैं आपके और वो क्या कुछ करने वाले हैं ये आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए। हम आपको एक विशेष तौर पर ऐसा सूत्र भी देंगे इस कार्यक्रम के अंदर जिसको आप अच्छे समझ लें, अगर वो कर लिया आपने तो बहुत सुंदर तरीके से आपके समस्त वारे न्यारे करने के राहु योग बना सकते हैं और विशेष तौर पर कई प्रकार की समस्याओं से निजात भी दिलवा सकते हैं। ये समय दोधारी तलवार वाला रहेगा, दोधारी जो स्थिति है वो रहेगी, हल्की सी गलती हुई तो फंस जाएंगे और थोड़ा सा अच्छा कर लिया तो बिल्कुल कैसे उस समय से निकल सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, राहु का परिवर्तन नवम भाव में जो होने जा रहा है 18 महीने तक रहेगा और ये एक बात आप समझ लीजिए, आपको खासतौर पर अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना है। जो पेट से ऊपर यानी चेस्ट वाली बीमारी, सांस वाली बीमारियां, एसिडिटी वाली बीमारियां, इन सब से खान पान बिल्कुल स्वस्थ रखने का आपको प्रयास करना, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो राहु वहाँ पर आपको गैस से रिलेटेड, आपके श्वास से रिलेटेड खांसी इत्यादि समस्या से एंजाइटी संबंधी समस्याओं को बढ़ाने के योग दे सकता है। तो सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अपने खान पान को पूरी तरह से स्वस्थ, हेल्दी हाइजीनिक फूड जो होता है वही प्रॉपरली आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, एक समस्या और हो सकती है कि टाइमली खाना खाते नहीं है, कभी खाया कभी लेट कर दिया, कभी छोड़ दिया, कभी बीच में कुछ और हो गया, बहुत ज़्यादा अलाय बलाय खाने शुरू कर दी। तो राहु महाराज आपको पहले ही समझा रहे हैं कि धर्मयुक्त, धर्म में जा रहे हैं राहु, धर्मयुक्त कार्य करें। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, ऑर्गेनाइज, धर्म का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, जो ऐसा चीज़ जो सुव्यवस्थित हो उसी रूप में काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तब आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। ये धर्म का जो स्थान है, नवम स्थान जो है वो भाग्य का स्थान भी है, भाग्य जगा भी सकते हैं राहु और भाग्य सुला भी सकते हैं, सब कुछ आप कर्ता पर निर्भर करने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राहु केवल एक ही बात मांगने वाले हैं जो मैं सूत्र रूप में समझाने जा रहा हूं आपको, जो मैंने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको बताने का प्रयास किया, जितने धर्मयुक्त रहेंगे, जितने अपने अंदर सरलता को रखेंगे, जितना भगवान की तरफ आराधना को रखेंगे, सरल भाव रखेंगे, अधर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्मयुक्त रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस राहु महाराज देने वाले हैं। और जितने अधर्मी आप हुए इस 18 महीनों में, जिसको एक्सपेरिमेंट करना है करके देख ले साफ साफ, 18 महीने का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है 18 महीने का। अगर हमारी बात पर किसी को भी शक है तो बिल्कुल कभी करके देख लें, एक महीना धर्म की बात करें, एक महीना जितना अधर्म हो सकता है सब करें, उसका प्रभाव राहु क्या कुछ देंगे आपके समक्ष बहुत जल्दी आ जाएगा। हाथ कंगन को, आरसी का, पढ़े लिखे को, तो आप समझ लें स्थिति क्या है।
तो आपकी स्थिति, मैं आपको ज्योतिष के सूत्र रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं राहु के कारण से आपकी राशि के अनुसार से। तो धर्मयुक्त अच्छे काम, सद्भावना वाले काम जितने आप करेंगे, उतने आपके परिवार की प्रोग्रेस निश्चित तौर पर राहु महाराज यहाँ परिवर्तन के तौर पे आपको देने आए हैं। तो सुंदर तरीके से इस बात को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात, परिवार में भाइयों के साथ, सबके साथ प्रेम बना के रखें। हो सकता है कि थोड़ी बहुत उठापटक होने के कारण से उस प्रेम में कुछ ना कुछ कमी आने के योग बन जाए। पत्नी के जो शादीशुदा लोग हैं, अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा संबंधों को ठीक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यहाँ जो राहु और केतु का परिवर्तन है, वो विशेष तौर पर ऐसा हो सकता है कि जिसके कारण से कुछ अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वो भाइयों के साथ हो, चाहे वो मित्रों के साथ हैं, वो आपको लिए खासतौर पर परेशानी का सबब बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर बिना वजह के झगड़े, परिवार में जो आपकी फैमिली लाइफ है वहाँ बिना वजह के झगड़े कुछ ना कुछ आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो एक चुप सौ को हराए, ये सबसे बड़ी कहावत आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक चुप सौ को हराए, ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इससे सुबह सुबह बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बनेंगे। एक काम और कर लीजिए, एक उपाय मैं आपको दिव्य रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आप विशेष तौर पर करेंगे तो देखिएगा आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता बनता चला जाएगा। नित्यपति भगवान सूर्य को थोड़ा जल में दूध डालकर अर्घ देने की आदत डाल लीजिए। ये राहु महाराज भाग्य जगाने आए हैं आपका, आपके हाथ में भाग्य जगवा लो या भाग्य सुला लो। तो आप कोशिश करें इन सब बातों को सिद्धांतिक तौर पर समझते हुए आपको करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन का योग राहु महाराज स्वयं बनाने के बहुत अच्छे अवसर आपको प्रदान कर देंगे। ये राहु भाग्य जगाने आए हैं हम आपको बता रहे हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं सही रास्ते को पकड़कर बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना लेते हैं। नित्यपति जल्दी उठिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए और अवश्य विशेष तौर पर उनके निमित्त अर्घ देना, थोड़ा जल में दूध डालकर भगवान को नित्यपति आप अर्घ अवश्य दें। ये देखिएगा आपके लिए किस्मत जगाने का सौदा हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जब हमने कहा थोड़ी बहुत दिक्कतें आने के योग दिखाई देते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, कभी कभी जब संक्रांति पड़े, महीने में एक संक्रांति पड़ती है, उस संक्रांति के दिन में आप किसी मंदिर में, देवालय में, शिव के मंदिर में जाकर वहाँ कोई मूली लेकर भगवान को अर्पित कर दिया करें। मूली आमतौर पर बाजार से मिल जाएगी, मूली लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाके वहाँ उनको समर्पित कर दें, ये बड़ा एक सुंदर लाभ हो सकता है। राहु का थोड़ा भाग्य पे दुष्प्रभाव है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है धर्म का सहारा। दान पुण्य जितना भी करेंगे वो सब आपके लिए अच्छा रहेगा। एक महीने करके देखें और एक महीने रोक के देखें, स्वयं आपको इसका प्रभाव समझ आ जाएगा। कोशिश करें राहु के मंत्र का जप कम से कम एक माला नित्यपति करने। राहु का मंत्र है ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। दोबारा कर देते हैं आपको उच्चारण, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। इसका नित्यपति एक माला अवश्य जप कर लिया करें, देखिए बहुत सुंदर रहेगा। ये राहु का परिवर्तन आपके लिए सौभाग्य का उदय करने के योग बना सकता है, लेकिन समझना आपको पड़ेगा किस मार्ग से। यदि अधर्म की तरफ चलोगे तो आपके समक्ष ही आपको असफलता मिलेगी। यदि धर्मयुक्त होकर कार्य करोगे, धर्म का युक्त का अब अच्छा मतलब धारयति धर्म शास्त्र कहता है ना, तो सत्य का पालन करें, अच्छे काम करें, पूजा पाठ करें, भाग्य जगा देगा। और राहु एक न्यायाधीश की तरह आपके लिए नैसर्गिक दृष्टिकोण से सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। तो जो सिद्धांतिक तौर पर हमने आपको बात बताई है उनका पालन करें, देखिए राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ होने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसको आपको कैसे चलना है इस समय में, ज्योतिष यही विज्ञान है कि ये राह जो है उस पर हमें किस स्पीड से चलना है, किस स्पीड से चलना है कि हम अपने गंतव्य मार्ग तक पहुंच जाए। ज्योतिष इसी गति को समझने का, इस राह को समझने का विज्ञान माना जाता है। आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रिडिक्शन का विज्ञान है, प्रिडिक्शन कर दिया तो सत्य हो जाता है। देखिए वो सब आपके कर्म के अनुसार से, यदि अच्छा कोई कर्म किया आपने, जब कोई कोई ग्रह अशुभ होता है तो आप जाते हैं ना ज्योतिषी जी के पास, बताते हैं उपाय जान लो। जब उपाय कर लेते हैं तो कैसे फिर, जब जब निश्चित था तो परिवर्तन कैसे है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान है। यदि उपाय करके शुभ कर्म कर लोगे तो अशुभ से अशुभ समय में भी परिवर्तन आने का योग बन जाएगा।
तो ये सिद्धांतिक तौर पे समझ लीजिए कि ज्योतिष में योगा योग परिवर्तनशील है आपके कर्मानुसार, तो उसके अनुसार से कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बनेंगे और परिवर्तन का समय बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार।